शेल कंपनी और माइनिंग लीज मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने दुमका के जेएमएम विधायक और सीएम हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही अदालत ने जेएमएम से निष्कासित किए जा चुके रवि केजरीवाल को भी नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने डीसी के माध्यम से एफिडेविट दायर करने का निर्देश दिया है। वहीं कोर्ट ने अगली सुनवाई के दिन ईडी द्वारा पूजा सिंघल मामले में दायर की गई पीसी मांगी है। कोर्ट ने ईडी को यह निर्देश दिया है कि उक्त दस्तावेज कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किए जाए। ईडी की ओर से अधिवक्ता अमित दास कोर्ट के समक्ष उपस्थित हुए। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन और देश के वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कोर्ट के समक्ष पक्ष रखा। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।